नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय गोरखपुर में हफ्तों से खराब पड़े सरकारी हैंडपंप के कारण अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आरओ प्लांट से मिलने वाले पानी से गले की प्यास तो बुझ जा रही है, लेकिन काफी बाकी कार्यों के लिए जरूरत पड़ रही है, तो मरीजों के परिजनों को दर दर भटकने को मजबूर होना पड़ रहा है। आपको बता दें कि शुद्ध पेयजल के लिए जिला अस्पताल के ओपीडी और क्षेत्रीय निदान केंद्र के समक्ष 3 सरकारी इंडिया मार्का हैंडपंप लगाए गए हैं, जिसमें तीनों बेपानी साबित हो रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता ने प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार गुप्ता से बात की, तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी हमें है, जिसके संदर्भ में लिखित पत्र नगर निगम को कई बार भेजा जा चुका है, लेकिन आज तक नगर निगम द्वारा उसकी मरम्मत नहीं कराई गई है। इस संबंध में जब गोरखपुर न्यूज संवाददाता ने जलकल के जीएम के से बजरिए दूरभाष वार्ता करने के लिए उनके सीयूजी पर कई बार प्रयास किया, लेकिन जीएम जलकर का सीयूजी नंबर भी रिसीव नहीं हुआ। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने कहा, पानी पीने के लिए आरओ प्लांट लगा हुआ है, कूलर्स लगे हुए हैं जगह जगह, और सरकारी हैंडपंप मिले वो ख़राब है, मेरे संज्ञान में है। उसके लिए कई बार पत्र भेजा जा चुका है नगर निगम को, नगर निगम के द्वारा लगाया गया है, उसका मेंटेनेंस की जिम्मेदारी पूरी नगर निगम की है। यहाँ समय समय पर कई बार पत्राचार हो चुका है, रिमाइंडर दिया जा चुका है, लेकिन नहीं हो पाया है। अब पुनः मैं फिर पत्राचार करता हूँ। सर, मरीजों को कपड़ा धोने नहाने वहाने के लिए काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, कब तक सही हो पाएगा? नहीं, कुछ हैंडपंप कार्यरत हैं, कुछ खराब हैं, 2 या 3 खराब हैं मेरे संज्ञान में है। अब ये नगर निगम को बनवाना है, मुझे बनवाना नहीं होता है। इसको सूचना दी जा चुकी, कई बार पत्र प्रेषित किया जा चुका है, और मैं उम्मीद करता हूँ दोबारा फिर भेजता हूँ, और पर्सनल रूप से भी बात करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसको बनवा दिया जाए।